बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आईबीसी 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ने एक और अहम मुकाम को पार कर लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार शाम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 समारोह का आयोजन हुआ। यहां एक ही मंच पर 33 जिलों की टॉपर्स पहुंची। प्रदेश के इन ब्रिलियंट बेटियों का सम्मान राज्यपाल ने किया और उन्हें विशेष सम्मान निधि भी दी गई। आईबीसी 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का हिस्सा बनने के लिए तो जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ इस मंच। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आईबीसी 24 ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का गरिमामय आयोजन किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में टॉपर्स को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जिलों में टॉप करने वाली 33 बेटियों को 50,000 रुपए की सम्मान निधि दी गई। वहीं स्टेट टॉपर छात्रा और उसके स्कूल को 1,00,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई। I'm extremely happy and I appreciate very much this sort of program of the channel. इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की और उनमें एक जज्बा जगाने की कोशिश आईबीसी 24 ने किया है, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही सभी पांचों संभागों के 5 टॉपर छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी गई। समारोह के दौरान शिक्षा जगत के दिग्गजों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने बेटियों के प्रयास की सराहना की। आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने बेटियों का हौसला बढ़ाया और करियर को लेकर टिप्स दिए। यहां मौजूद सभी टॉपर बेटियों को और संभाग टॉपर बेटों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह हमारे लिए महज एक इवेंट नहीं है, ये हमारे संकल्पों की परिणति है, ये हमारे सरोकारों का सुफल है। मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसका मतलब ये होता है कि अगर लड़की ने, घर की लड़की ने पढ़ाई कर ली और वो सीख गई तो फिर प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हमारी ये कोशिश बेटियों के सपनों को नए पंख दे रही है। बेटियों की शिक्षा के लिए आईबीसी 24 का सबसे अहम अभियान 2014 से साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24।